टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच शनिवार से नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला जाएगा। इस मैच से ठीक पहले टीम इंडिया के हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। बता दें, पहले टीम इंडिया के टर्मिनेटर हरभजन सिंह ने कहा था कि पांड्या को ऑलराउंडर कहना बंद कर देना चाहिए। हरभजन के बाद अब पूर्व विंडीज दिग्गज गेंदबाज माइकल होल्डिंग का कहना है कि पांड्या बल्ले से प्रभावी नहीं है। इसके अलावा उनकी गेंदबाजी में नियंत्रण और निरंतरता की कमी है। एक इंटरव्यू में होल्डिंग ने पांड्या पर बात करते हुए कहा, भारतीय टीम का आक्रमण संतुलित नहीं है। टीम हार्दिक पांड्या को ऑलराउंडर के तौर पर उपयोग कर रही है ताकि गेंदबाजी में मदद मिल सके, पर जब वे गेंदबाजी करते हैं तो उतने असरदार नहीं होते हैं जितने होने चाहिए। इसके अलावा वे बैटिंग में भी टीम की ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं। अगर वे अच्छे बल्लेबाज होते और 60 से 70 रन या शतक बनाते तो उनकी कमतर गेंदबाजी की भरपाई हो सकती थी, पर ऐसा भी नहीं हो रहा है। आपको बता दें, इससे पहले हरभजन सिंह ने कहा था कि हमें हार्दिक के आगे से ऑलराउंडर का टैग हटाने की जरूरत है। ऑलराउंडर खेल के दोनों विभागों में योगदान देता है, जैसा कि इंग्लैंड की तरफ से स्टोक्स और कुरेन ने पहले टेस्ट और क्रिस वोक्स ने लॉर्ड्स के दूसरे टेस्ट मैच में किया। इसी तरह की उम्मीद हार्दिक पांड्या से की जा रही थी, लेकिन वो इसमें बुरी तरह नाकाम रहे। भज्जी ने ये भी कहा था कि हार्दिक रातों रात कपिल देव नहीं बन सकते हैं। बहरहाल, अब ये देखने वाली बात होगी कि टीम इंडिया के हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या अपने आलोचकों को कैसे चुप करते हैं। वैसे अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि पांड्या पर उठ रहे सवालों का टीम चयनकर्ताओं पर क्या असर पड़ता है और क्या उन्हें इंग्लैंड टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज के चौथे और पांचवें मैच के लिए भारतीय टीम स्क्वाड में चुना जाता है या नहीं।